जैसे डिफरेंशिएशन किया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स, स्मॉल चेंज यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई वैल्यू निकालता है एक्स, और डेरिवेटिव क्या निकालता है, स्मॉल चेंज निकालता है. हमने क्या किया था डिफरेंशिएशन में, बड़े चेंज से छोटा चेंज निकाला था, डेल्टा एक्स से डी एक्स निकाला था. इसमें उल्टा है, डी एक्स से डेल्टा एक्स निकलेगा, छोटे चेंज से बड़ा चेंज निकलेगा, उल्टा काम करेगा. तो जैसे कार ने डिस्प्लेसमेंट कवर की वेरी स्मॉल डी एक्स, फिर डी एक्स, फिर डी एक्स, फिर डी एक्स, तो टोटल चेंज क्या हो गया, डेल्टा एक्स. तो ये काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं. तो इंटीग्रेशन को बोलना और लिखना कैसे है ये समझते हैं. इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बोलने का तरीका, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन. किसकी डिफरेंशिएशन, एक्स, किसकी इंटीग्रेशन, एक्स. विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर की जगह कहां पर आ गया, न्यूमिनेटर में आ जाएगा, राइट. जैसे सपोज करो अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये बोलने का और लिखने का तरीका है. तो पहला फॉर्मूला लिखें इंटीग्रेशन का, स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स में कैसे यूज करनी है वो भी आज बताऊंगा. तो पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स. ठीक है, अब एक चीज सोचने वाली है, आंसर क्या आया, एक्स. अगर मैं रफ में एक्स को डिफरेंशिएट करूं तो वापस आंसर क्या आएगा, वन. तो यानी कि वन के इंटीग्रेशन की तो एक्स आया, एक्स की डिफरेंशिएशन की तो वन आएगा. उल्टा भी ट्रू है, तभी तो बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, ऑपोजिट है, सही है यहां तक. इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई, वन विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी. नोट कर ले पहला फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला है. तो वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स, वन की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई इज वाई, और वन की इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू जेड टी इज. ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें. जब आप बुक्स खोलेंगे तो आपको ना फॉर्मूला ऐसा दिखेगा नहीं, आपको ऐसा दिखेगा x प्लस कॉन्स्टेंट, y प्लस कॉन्स्टेंट, t प्लस कॉन्स्टेंट. हर आंसर के पीछे कॉन्स्टेंट लगाएगा. वो क्यों लगाएगा, ये ना एक लंबी स्टोरी है, और जब हम चैप्टर्स करेंगे उसमें समझ में आएगा कॉन्स्टेंट क्यों लगता है. फिलहाल हम नहीं लगाएंगे, पर अगर बुक में कोई दिख जाए तो घबराना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने ये स्टेप को देखना है ये कैसे आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम कांस्टेंट नहीं लगाते, मैथ थोड़े लगाते हैं. फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट की जगह हम लिमिट्स लगाते हैं, जो आज मैं आपको लगाने सिखाऊंगा. तो अगर लिमिट लगानी आ जाए तो कांस्टेंट लगाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें जरूरत नहीं होती. पर ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि अभी मैं ये बता नहीं पाऊंगा. पहले इंटीग्रेशन सिखा कैसे होती है वो सिखाना चाहता हूं. तो आप पहले कांस्टेंट को छोड़ दें, ये स्टेप समझ में आ रहा है आपको. सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जैसे डिफरेंशिएशन में कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाते थे, इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, वन डी एक्स. कोई भी नंबर बाहर आएगा तो वन छोड़ जाएगा. तो लेकिन हमने फॉर्मूला नंबर वन में किया, वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स है, 5 एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया 1 डी एक्स, तो क्या आएगा, 5 इंटू
एक्स, सेवन डी वाई इंटीग्रेशन है तो सेवन बाहर आ गया, वन डी वाई तो आंसर क्या आ गया, सेवन इंटू वाई। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो तो वन बचेगा, तो वन डी एक्स एक्स हो जाएगा, वन डी वाई वाई हो जाएगा। ठीक है यहां तक? ठीक है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो थी पर इंटीग्रेशन जीरो नहीं है। बड़ी कॉमन मिस्टेक है, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन भी जीरो है, नहीं है जीरो, कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे, जो बचेगा वन डी एक्स एक्स होगा। क्लियर है यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नेक्स्ट, पावर रूल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही यूज होना है। इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एग्जाम्पल से सिखाता हूँ, एक्स रेज टू पावर फोर डी एक्स। अब पहले एक बार देख लेना, दो एग्जाम्पल दिखाने हैं उसके बाद लिख लेना। तो इंटीग्रेशन ऑफ जैसे एक्स की पावर फोर डी एक्स, पावर रूल है। तो आपने क्या करना है, एक्स की कितनी पावर है फोर, आपने इसमें वन ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसमें ऐड करना है। डिफ्रेंसिएशन में वन माइनस करना है, इंटीग्रेशन में वन प्लस करना है। तो क्या आ गया, एक्स की पावर फाइव। इसी पावर से इसे डिवाइड कर देना है, सेम पावर से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय। अगर मैं पावर पे हाथ रख लूं तो मुझे क्या दिखता है, एक्स। डिनोमिनेटर में इस एक्स को इसके साथ डिफरेंशिएट कर देना है, मतलब डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स आपका पीछा यहां भी नहीं छोड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई होता था, इसमें डिवाइड होगा। तो ये टर्म क्या आएगी, वन। आंसर इज एक्स की पावर फाइव बाय फाइव। फिर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर सिक्स डी एक्स है, तो आंसर इज एक्स की पावर सेवन डिवाइडेड बाय सेवन डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ किसकी पावर सिक्स है, एक्स की। तो यहां आएगा, वो अलग बात है कि आंसर इज वन। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? ठीक है, अब मैथ में इसका फॉर्मूला है जिसको मैं यूज करके बना रहा हूं, और फॉर्मूला ये है, एक्स की पावर एन डी एक्स। बोलो क्या फॉर्मूला होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स बाय। जरूरत क्या है फॉर्मूले की, हो तो गया, इसको लिख सकते हैं, लिख लें इसे, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसे नोट कर लें। कि जो भी पावर है वो वन कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। ठीक है, करो ट्राई। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एक्स रेज टू पावर हाफ डी एक्स। पटवाड़ा करते जाओ,
तो देखो अपने आंसर चेक करना, पहले का आंसर एक्स रेज टू पावर 9/9, दूसरे को लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 1/2 डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर लो 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट है, इसको सही लिखो पहले, x की पावर कितनी -1/2 dx, तो x की पावर -1/2 + 1 जो कि कितना होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 × x की पावर 1/2, क्या है पॉइंट, क्लियर है? यही आंसर आया। नेक्स्ट है, 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 1/2 dx, तो 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, 7 × 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 इज द आंसर, कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक? लिया पावर रूल क्या है, पावर बढ़ा दें, एक्स की पावर 3/2 / 3/2 रेसिप्रोकल 2/3, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली अगर सपोज करो मेरे पास ये क्वेश्चन है x² + x³ dx, तो रूल है आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे ब्रेक कर लें, ये लो ब्रेक कर ले, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये साइन दोनों में लगेगा और dx भी दोनों में लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² अकेला कोई मतलब नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू होना जरूरी है, ठीक है? तो ये होना जरूरी है, तो इसमें क्या लगेगा, इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन क्या है x³/3 और इसकी इंटीग्रेशन क्या है x⁴/4, और अगर बीच में माइनस हो तो ये माइनस चलेगा, तो एक्चुअल में रूल ये है फॉर्मूला वाइज, इंटीग्रेशन ऑफ u + v dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और अगर ये माइनस है तो ये माइनस चलेगा, ऐसे फॉर्मूला है, पर उसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बता रहा हूं। ठीक करें क्लोजेस से, समझ में आ रहे हैं यहां तक? नेक्स्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 1x² + 4 dx, एग्जाम्पल्स हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √x + 7/√x - 3 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1/7x³ + 7 dx,
इसमें ऐसे करना है, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस 1/x² dx प्लस 4 dx, ये सबने किया, ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप, ठीक, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, 2 क्या बचा, x² dx, इसको सही करके लिखो, यहां पर क्या आएगा, x^-2 dx, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा, 1 dx, क्या स्टेप क्लियर है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए सारे। अब पहला ये 2 × x² की इंटीग्रेशन क्या है, x³/3, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x^-1/-1, 4 × 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है, x, क्योंकि 4 जब बाहर आएगा तो पीछे 1 छोड़ जाएगा, तो 1 dx की इंटीग्रेशन क्या है, x। तो क्या स्टेप क्लियर है, पहला क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड dx, तो x^ क्या है, 1/2 dx, 7 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ -½ dx, 3 बाहर आ गया, 1 dx, क्या स्टेप क्लियर है, रूट एक्स सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, x का रूट का मतलब x^2, 7 बाहर आ गया, डिनोमिनेटर ऊपर गया तो x^ कितनी, -½, 3 बाहर आ गया तो 1 dx, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन बोलो क्या होगी, x^3/2 / 3/2 प्लस 7 × x^2, इसकी पावर क्या है, हाफ, मतलब -½ + 1 = 1/2 / 1/2 -3 × 1 dx इज एक्स, क्या स्टेप क्लियर है, समझ में आ रहा है यहां तक, हाँ, रेसिप्रोकल लेना कोई दिक्कत नहीं है, पीछे क्लियर है, दोनों को क्लियर है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, तो यहां से x^-2 dx प्लस 1/7 बाहर आ गया, x^-3 dx प्लस 7 बाहर आ गया, 1 dx, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है, तो बाहर आ गया सब कुछ, तो यहां पे अब क्या होगा, x^-2 + 1 क्या है, -1/-1, 1/7 × इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x^-2/-2, 7 × कितना, x, आंसर, क्या स्टेप क्लियर है, कोई डाउट इसमें, देखो कुछ भी नहीं करना, पहले आप पूरे इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लें, फिर आप x को अरेंज कर लें ऊपर की तरफ, फिर आप कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लें, फिर आप पावर रूल लगा लें, बस सिंपल स्टेप है ना, ये भी मैटर ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है, रूल तो कुछ है ही नहीं, पावर रूल है, पावर रूल लगाते रहो बस, ठीक है, यहां तक करना है, बंद करना है ऐसे, एक और क्वेश्चन करके देख लो, ये बार इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 7/x² - 8x^4 + 5 dx,
तो ओपन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5 डी एक्स 7 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 8 एक्स रेज टू पावर 4 डी एक्स प्लस 5 डी एक्स। ये लो, क्या फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 5 बाहर आ गया तो एक्स डी एक्स, 7 बाहर आ गया एक्स रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स, माइनस 8 बाहर आ गया एक्स की पावर 4 डी एक्स, और 5 बाहर आ गया तो 1 डी एक्स। ठीक है, अब इसमें 5 इंटू इसकी पावर 1 है तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2। 7 इंटू इसकी पावर 1 ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, 8 इंटू इसकी पावर 1 ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, और 5 इंटू इसकी 1 डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? x आंसर आएगा। क्या ये स्टेप क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो पावर रूल सबको लगाना आ रहा है, क्या पावर रूल है इसमें? हाँ जी, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब एक काम करो, ये चार क्वेश्चंस को करो जो मैं देने जा रहा हूँ। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे क्या प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या होगा, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय रूट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। कर लो, पावर रूल लगाओ। जब आपने इसको सॉल्व किया, आपने पावर रूल लगाया, बिल्कुल सही किया, x की पावर माइनस 2 dx, फिर आपने इसमें किया x की पावर माइनस 3 dx, फिर आपने इसमें किया x की पावर माइनस हाफ dx, फिर आपने इसमें किया x की पावर माइनस 1 dx, सही किया। जब पहले में पावर रूल लगा तो x की पावर माइनस 1 बाई माइनस 1 बिल्कुल सही है, जब इसमें लगा माइनस 2 बाई माइनस 2 बिल्कुल सही है, जब इसमें लगा x रेज टू पावर हाफ बाई हाफ बिल्कुल सही है, और जब इसमें लगा x की पावर 0 बाय 0 ये सही नहीं है, क्योंकि मैथ में कभी आपने सुने डिनोमिनेटर में 0 भी आता हो कभी, तो नॉट डिफाइंड है, वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल सही हैं पर ये गलत है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है जो अलाउड नहीं है।
तो ये अलाउड नहीं है, ठीक। तो पावर रूल, अब ध्यान से सुनो, पावर रूल हर जगह चलेगा, सब चल रहा है, एक जगह नहीं चलेगा। जब एक्स की पावर यहां पर क्या होगी, वन, क्योंकि वन जब ऊपर जाएगा माइनस वन, और जब पावर रूल लगेगा तो फिर वो आंसर क्या देगा, जीरो। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, वो तो ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते। सॉल्यूशन सुनो, नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करो, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। वन बाय एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, याद है डिफ्रेंसिएशन, लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या थी, तो ठीक कर रहा हूं ना, फिर वन बाय एक्स की लॉग एक्स, लॉग एक्स की वन बाय एक्स, एक दूसरे के उल्टे बन गए। तो आंसर याद करना है लॉग एक्स, सिर्फ किसमें, जब पावर एक्स की क्या होगी यहां पर, वन, और अगर वन ना हुई तो पावर रूल लगा दो, तो फिर लॉग मत लगाना, फिर पावर रूल लगेगा, पर लेकिन जहां डिनोमिनेटर में जीरो आएगा पावर रूल फेल हो जाएगा, तो लॉग एक्स लगेगा। एक चीज पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका, डी एक्स बाई डी एक्स, ये देखो एक्स वन अपॉन एक्स, यहां पे क्या आया एक्स, यहां पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, एक्स, जो कि वन होता है, ये तो रहेगा। हाँ वो अलग बात है, मेरा बनना बताना बनता है, फॉर्मूला इनकम्प्लीट नहीं बता सकता। तो यहां तक क्लियर है, ठीक। तो एग्जाम्पल है, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स, बोलो लगाओ फॉर्मूला क्या आएगा, किसी के मन में लॉग तो नहीं आ रहा, अच्छी बात है, लॉग मत लगा देना, हाँ, काट ले काट ले, लॉग मत लगा देना, क्योंकि लॉग तो तब लगेगा जब पावर रूल फेल होगा, पावर रूल तो यहां पर फेल हो ही नहीं रहा, तो फिर पावर रूल से करेंगे, फ्लो में होते होते ना बंदा याद कर लेता है, वन के नीचे जो भी है लॉग लगा दो, नहीं, जब आप सिंपल एक रूल बना लो, सुन लो, आप ना पावर रूल लगाओ, अब कुछ मत करो, आप पावर रूल लगाओ, अगर आपको लॉग नहीं समझ में आ रहा, जब डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो बस फिर याद कर लेना कि लॉग लगेगा, नहीं तो लॉग नहीं लगेगा, नहीं तो पावर रूल लगेगा। तो क्लियर है यहां तक, तो जब डिग्री वन है तभी लॉग लगेगा, नहीं तो लॉग नहीं लगेगा। जैसे अब इसमें लगाओ, जैसे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई सेवन एक्स माइनस टू डी एक्स, अब देखो अगर मैं ये रेज टू पावर ऊपर लेके जाता हूं, रेज टू पावर माइनस वन, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो यानी कि इस पूरे ब्रैकेट की डिग्री क्या है, वन। और लॉ का एक और रूल है, अगर इसकी डिग्री वन है, एक्स की डिग्री भी वन होनी चाहिए, ये टू नहीं होनी चाहिए, सेवन एक्स स्क्वायर में लॉग फेल हो जाएगा। फिर मैथ्स वालों के पास भी तरीका है तो सॉल्व करने का, मेरे पास भी तरीका नहीं है प्लस वन में, तो आप डिग्री वन पे काम कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर डिग्री वन है तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस टू ही आएगा, डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स माइनस टू भी आएगा, बताया था ना, ये टर्म इधर ये टर्म इधर, तो क्या आंसर आएगा, लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टू, तो आंसर इज लॉग ऑफ सेवन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई सेवन, ये तो जीरो हो जाएगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, ठीक। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूं फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे लगती है, जैसे मैंने डिफरेंस में बताई थी, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। सपोज करो आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स इज इक्वल टू टी की पावर फोर, मान लो ये गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा हूं फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बोलो क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू क्या, डी एक्स बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्स की जगह क्या टी की पावर फोर, आंसर इज फोर टी क्यूब। फिर मैंने कहा वी की वैल्यू इज फोर टी क्यूब, फाइंड
इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, तो बोलो फॉर्मूला डी वी बाय डी टी, तो ए इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 4t का क्यूब, 4t क्यूब की क्या है 3t स्क्वायर, आंसर 12t स्क्वायर। क्या ये स्टेप क्लियर है? ये हमने किया हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है इसमें। तो मत करो, तो मैंने तो कहा नहीं है कि करो। मैंने जब इस क्वेश्चन को किया तो इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट को से पहले मैंने क्या निकाली, वेलोसिटी, कैसे डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी से क्या निकाली एक्सेलरेशन, कैसे डिफरेंशिएट करके, ठीक हो गया। अब मैं उल्टा करना चाहता हूं, गिवन ए, मैं आपको अब ए दूंगा, ए की वैल्यू दी मैंने आपको टी स्क्वायर, ए की वैल्यू मैंने आपको दी टी स्क्वायर, और मैंने ये कहा फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी, ठीक है यहां तक। अब उल्टा काम हो रहा है, मैं आपको ए दे रहा हूं और क्या पूछ रहा हूं वी, तो अब क्या करेंगे इंटीग्रेट, और मैं अगर ये पूछूं वी से एक्स निकालो तो फिर से एक बार और करेंगे इंटीग्रेट। तो याद रखना एक्स से वी डिफरेंशिएट, वी से ए डिफरेंशिएट, ए गिवन है वी निकालना है इंटीग्रेट, वी गिवन है एक्स निकालना है तो इंटीग्रेट। तो ये स्टेप क्लियर है यहां तक। अब कैसे करना है इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा इफ ए इज टी का स्क्वायर फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू क्या है डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक, पहला स्टेप क्लियर है। अब एक काम करना है डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर इन टू डी टी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया यहां तक। अब एक चीज बताओ ये क्या चीज है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम डी टी, पर आपको तो टोटल चेंज निकालना है, तो टोटल चेंज निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन कर दें। जैसे एक ये एक इक्वेशन है, हमने डिफरेंशिएशन में सीखा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है आप दोनों तरफ डी बाई डी टी डी बाई डी टी लगा सकते हैं, ऐसे ही अगर ये एक इक्वेशन है आप दोनों तरफ की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो आप दोनों तरफ क्या करें इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, तो आपके पास दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना अलाउड है, ठीक है, क्योंकि आप स्मॉल चेंज से बड़ा चेंज, स्मॉल टाइम चेंज से बड़ा टाइम निकालना चाहते हैं। तो ये स्टेप क्लियर है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। 1 dv की इंटीग्रेशन बोलो क्या है v, और t स्क्वायर की क्या है टी क्यूब बाय आंसर निकला है ना ए में से भी। ये मेरा पार्ट है फिजिक्स वालों का, ये पार्ट है कि ये बाहर कैसे निकलेगी चीजें। मैथ तो तुम सीखते रहना, मैथ वालों से कोई टेंशन नहीं है।
यहां तक तो पहुंच गए ना, वी तक। सोचो, फाइंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्स। अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप, वी को क्या लिखें, डी एक्स बाय डी टी। देखो वी क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाय थ्री। वी इज डी एक्स बाय डी टी इज टी क्यूब बाय थ्री। इन्हें क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एक्स इज इक्वल टू टी क्यू बाय थ्री इंटू डी टी। कोई डाउट इसमें, डी एक्स इज इक्वल टू टी क्यू बाय थ्री इंटू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू टी क्यू बाय थ्री इंटू डी टी को दोनों तरफ से क्या करें, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये बनेगा वन डी एक्स, ये बनेगा वन डी एक्स, वन बाय थ्री बाहर आ गया, टी क्यूब डी टी, इसे इंटीग्रेट करें तो एक्स वन बाय थ्री टी की पावर फोर बाय फोर। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी की पावर फोर बाय ट्वेल्व, आंसर एक्स आ गया। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ए से अगर एक्स निकालना है तो दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे x से a निकालने में दो बार डिफरेंशिएट, तो वापस a से x निकालने में दो बार इंटीग्रेट। तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे क्वेश्चन आएगा, ये करो सॉल्व, इफ ए इज टी स्क्वायर प्लस टी, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। तो पर डायरेक्ट एक्स से निकलेगा, ए से पहले क्या निकलेगा, वी, वी से क्या निकलेगा, एक्स। तो लिखो ए को डी वी बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। स्टार्ट एक बार, ए की जगह क्या लिखेंगे, डी वी बाय डी टी, सबने लिखा,
इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, ये पहला स्टेप क्लियर है। फिर डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी टी, दूसरा स्टेप भी क्लियर है। दोनों तरफ की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तीसरा स्टेप भी क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या बनेगा v, ये क्या बनेगा टी क्यूब बाय थ्री, और ये क्या बनेगा टी स्क्वायर बाय टू। क्लियर है यहां तक? तो v आ गया। अब v की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, v इज इक्वल टू टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी स्क्वायर बाय टू। v को लिखें dx बाय डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी स्क्वायर बाय टू। तो dx विल बी इक्वल टू टी क्यूब बाय थ्री टी स्क्वायर बाय टू इंटू डी टी। फिर इसे क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेशन में टी क्यूब बाय थ्री प्लस टी स्क्वायर बाय टू डी टी, ये लो। तो यहाँ पर 1 डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई थ्री कॉन्स्टेंट है टी क्यूब डी टी, 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर डी टी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? है ना, जब ब्रेक किया तो 1 बाई थ्री बाहर आ गया, 1 बाई टू बाहर आ गया, ये स्टेप क्लियर है? ऐसे किया, ठीक है ना? यहाँ तक। और लास्ट जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगा x, इसकी जगह क्या आएगा 1 बाय थ्री इंटू टी की पावर 4 बाय फोर, और इसकी जगह क्या आएगा 1 बाय टू टी रेज टू पावर 3 बाय थ्री। यही आया था आंसर है, सही। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये आपके पास आइडिया हो गया आपको कि x से a, a से x की कैलकुलेशंस कैसे चलनी है, ठीक। तो फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन चलेंगी वो इस तरीके से चलने वाली है, लेकिन इसमें लिमिट भी लगेंगी अभी। तो लिमिट्स कैसे लगेंगी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, क्या इसकी मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ मैं। बट उससे पहले एक और काम करते हैं, इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कर लेते हैं। जैसे साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन की थी, कॉस एक्स की थी, बिल्कुल वैसी इंटीग्रेशन भी करते हैं। तो पहला फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स। अब एक स्टूडेंट है वो कहता है देखो ये तो मैं कर दूंगा, मुझे फॉर्मूला चाहिए ही नहीं। कैसे? वो कहता नहीं, वो कहता देखो आपने सिखाया साइन एक्स की पावर यहां पर वन है तो मैं पावर रूल लगाऊंगा, तो साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आंसर। मैंने कहा गलत है। तो क्यों गलत है? आपने कहा पावर रूल है, तो मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में पावर रूल लगता नहीं है, इंटीग्रेशन में नहीं लगेगा। पर देखो उसने एक बात पूछी, डिफरेंस में लगता था। मैंने कहा कैसे? वो कहता जैसे अगर साइन एक्स स्क्वायर कि डिफरेंशिएशन मुझे करनी हो तो 2 साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर रूल हर जगह लगता है, इंटीग्रेशन में पावर रूल हर जगह नहीं लगता, क्लियर है? और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कोई भी प्लीज ऐसे सोचे भी मत जो मैं कर रहा हूं, ये तो पावर रूल से करना ही नहीं है, ठीक हो गया यहां तक? तो फिर क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। देखो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें ऐसे करेंगे साइन एक्स की इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स करोगे साइड पे तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, बोलो क्या होता है?
कॉस एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या थी? माइनस, तो आंसर क्या आएगा? साइन। ये देखो से इसका मतलब सही है फॉर्मूला, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन करने के बाद सही आंसर आ रहा है। तो फॉर्मूला नोट कर लिया यहाँ पे, क्लियर है? एक चीज पीछा नहीं छोड़ेगी, डी एक्स बाय रह गया डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स, मतलब जो एंगल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा और वो यहाँ पे भी होगा, तीनों जगह। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, तो आंसर इज माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू इज आंसर। ये आंसर है, पॉइंट क्लियर है यहां तक? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है, कैसे करना है? उसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, बोलो क्या होगा? साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स, सेम फॉर्मूला है। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ मान लो न्यूमेरिकल है कॉस ऑफ टू एक्स डी एक्स, तो आंसर क्या होगा? साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ टू एक्स, जो कि सॉल्व करने पर क्या आएगा? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज। इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन 5x प्लस 4 कॉस 4x dx, ये लो।
तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 साइन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कॉस 4x dx। 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन ऑफ 5x dx, 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस ऑफ 4x dx। ये लो, तो यहां पर 5 इंटू साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 5x प्लस 4 इंटू कॉस 4x की इंटीग्रेशन क्या है, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 4x। ये लो 4x, क्या स्टेप क्लियर है। डिनोमिनेटर में 5 आएगा, इसे कट जाएगा, यहां पे 4 आएगा, इसे कट जाएगा, ऐसे होगा। तो यहां से जो भी सॉल्व करके 5 आएगा वो इससे कट जाएगा, यहां से सॉल्व करके 4 आएगा वो इससे कट जाएगा, आंसर आ गया। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। डिनोमिनेटर में इसमें यहां पे 5 इंटू साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ 5x, डी एक्स बाय डी एक्स 1 हो जाएगा तो 5 बचेगा, ये 5 और 5 कट जाएगा, नहीं इंटू है, मल्टीप्लाई है, x नहीं है, तो ये ऐसे है, सिंपल ऐसे है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक ठीक। अब एक काम करते हैं, वैसे नॉर्मली साइन एक्स और कॉस एक्स की ही इंटीग्रेशन आती है, मैंने इसके बाहर आती देखी नहीं है, आ भी जाए तो मैं वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख लो, हम इसको याद तो नहीं करेंगे पर अगर कभी रेफर करना पड़ जाए तो फॉर्मूला की लिस्ट हमारे पास है। तो लिखो नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स। रूल वही है, जो एंगल यहाँ पे होगा वो एंगल यहाँ पे होगा, वो एंगल यहाँ पे होगा, ठीक। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स। कोसीकेंट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ कोसीकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी एक्स। सीक्वेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज टेन एक्स बाय डी एक्स बाय डी एक्स। ये फॉर्मूलाज की लिस्ट नोट कर लो, तो इफ नीडेड इसको हम देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी, लिख लिया फॉर्मूला, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो अगर रेफर करने होंगे तो इन फॉर्मूलाज को हम रेफर कर लेंगे, बात खत्म हो गई। नहीं, ये याद नहीं करने, सिर्फ रेफर करेंगे।
साइन कॉस का याद करेंगे बस, जो इंपॉर्टेंट है साइन कॉस है। अगर मैं टेस्ट लूंगा उसमें साइन कॉस आएगा, टेन वाला नहीं दूंगा। नहीं, मैंने कहा नहीं दूंगा, मैंने कहा याद भी नहीं करना है, साइन कॉस तो आएगा। साइन कॉस तो यार नॉर्मल जो है उसमें चलेगी, इंटीग्रेशन में साइन कॉस तो बहुत यूज होता है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब एक नई चीज़ सीखो, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जो कि वेरिएबल की फॉर्म में आंसर देती है। मैं जो करवाने जा रहा हूँ लास्ट, उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन होती क्या है, जरा ध्यान से समझ लो। पहले ना एक बार जस्ट देखो मैं कैसे करता हूँ दो क्वेश्चन में, फिर आप लगाना सीखना। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 2, है ना। डेफिनेट में नॉर्मल इंटीग्रेशन तो है ही है, यहां पर दो नंबर लगे होते हैं, ये दो नंबर को बोलते हैं लिमिट्स। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको सॉल्व करने का तरीका, और ये लिमिट्स क्यों लगती हैं ये भी एक लंबी स्टोरी है, बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आपको आज की डेट में क्वेश्चन में लिमिट्स मैं लगा के दूंगा। अंदर की इंटीग्रेशन आपने एज इट इज करनी है, जैसे आपको सिखाई एक्स स्क्वायर बाय 2, बात खत्म। और स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो दो नंबर्स हैं उनके राइट साइड पे लगा देना है, इंटीग्रेशन करनी है नंबर जो नंबर्स को आपने राइट साइड पे लगा देना है 1 से 2। क्लियर है यहां तक? ये एक्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट पुट करनी है तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर, और दोनों को माइनस कर लेना है, माइनस ही करना है प्लस नहीं करना। तो एक बार आपने एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार आपने एक्स की जगह लोअर लिमिट, और फिर दोनों को माइनस, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा हाफ 3/2, एक फिक्स्ड आंसर आएगा, मेरी लिमिट्स के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। पर लिमिट्स कैसे लगती हैं बात की बात है, कैसे सॉल्व किया समझ में आ रहा है, फिर देखें एक बार, फिर देखें। सपोज क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन है -1 से -2, अंदर की इंटीग्रेशन क्या आएगी x³/3, कहां से कहां तक -1 से -2, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी -2 का³/3, एक बार लोअर लिमिट आएगी -1³/3, और इनको क्या करना है माइनस, तो क्या आएगा -8/3 +1/3 -7/3 आंसर। तो लिमिट सॉल्व करने आ रही है, कैसे करनी है, अगर दो नंबर लगे होंगे कैसे सॉल्व करना, क्लियर है तो लिख सकते हो, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। हाँ जी ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? तो अब एक बार इसको लगा के देखो इस रूल को, ताकि इसकी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकें। तो ये लो क्वेश्चन नोट करो, इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3, 2 to 3,
तो इसमें एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब बाय थ्री, कहाँ से कहाँ तक, टू से लेके थ्री, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट थ्री क्यूब बाय थ्री, एक बार लोअर लिमिट टू क्यूब बाय थ्री, तो क्या आ गया यहाँ पर, थ्री एलसीएम आ गया, ये क्या बना 27, ये क्या बना 8, तो माइनस करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड 19/3। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या करना है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, कुछ भी नहीं, दो नंबर एंड में पुट करने हैं, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स फ्रॉम -1 to -2। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, लेकिन लिमिट दोनों पे चलेगी, इस पे भी और इस पे भी, ये इंपॉर्टेंट है, -1 से -2, -1 से -2, कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाय टू -1 से -2, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्स -1 से -2। ठीक है, एक एक करके लिमिट पुट करते हैं, एक बार इस एक्स की जगह अपर लिमिट, तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर बाय 2 -1 का स्क्वायर बाय 2, क्या ये स्टेप क्लियर है, ये पहला इंटीग्रेशन का काम हो गया, एक बार एक्स की जगह -2, एक बार एक्स की जगह -1, प्लस अब राइट साइड पे एक बार एक्स की जगह -2, एक बार एक्स की जगह -1, क्या स्टेप क्लियर है, ये चेक करो प्लीज स्टेप, दो क्वेश्चन बन गए इंटीग्रेशन के, पहला ये रहा, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट माइनस, फिर ऐसी एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट माइनस, तो यहां से क्या आएगा 4/2 -1/2, यहां से क्या आएगा -2 + 1 = -1, तो 2 - 1/2 - 1, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा एलसीएम लेके। मेथड समझ में आया करना कैसे है, कि इंटीग्रेशन को ब्रेक कैसे करना है, और ब्रेक करने के बाद लिमिट्स फिर भी साथ साथ चलेंगी और एंड में लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करें नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी फ्रॉम 0 to t वेयर यू एंड ए बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, यू और ए कॉन्स्टेंट है, यू प्लस ए टी की 0 से t लिमिट, यानी कि 0 से t पुट करनी है, तुम शुरू तो करो इंटीग्रेशन, ब्रेक तो करो इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट को बाहर तो निकालो, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें, ठीक करें तो ओपन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म dt 0 से t तक प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म dt 0 से लेके t तक। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है, कॉन्स्टेंट u बाहर आ गया,
वन डी टी जीरो से लेके टी तक, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, टी डी टी जीरो से लेके टी तक, ठीक है। अब यू वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या है, टी जीरो से लेके टी तक, टी की इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर बाय टू जीरो से लेके टी तक, ठीक है। अब एक बार लिमिट पुट करते हैं, लिमिट टी की जगह अपर लिमिट टी पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, टी। एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे तो एक्स, टी की जगह टी तो टी, माइनस लोअर लिमिट क्या है जीरो, प्लस ए, एक बार अपर लिमिट टी स्क्वायर बाय टू और एक बार जीरो, चेक करो आंसर क्या आ रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सुना लगता है ना, हाँ ऐसी इंटीग्रेशन चलेंगे और प्रूफ आएगा, प्रूफ दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्कूल में आएगा, तो ये प्रूफ ऐसे लिखते हैं, बताऊंगा आगे फिजिक्स ज्वाइन करके, अभी तो मैथ्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे स्टेप्स चलेंगे इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी फ्रॉम यू टू वी, ये क्वेश्चन है, नहीं इंटीग्रेशन v की चल रही है ना, तो उसके साथ v कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, जैसे x dx में x कांस्टेंट नहीं है, तो जिसके नाम की इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू, उसका जो वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा कभी भी, उसके अलावा सब कांस्टेंट हो सकते हैं। तो x dx की x स्क्वायर बाय टू, तो v dv की v स्क्वायर बाय टू, भाई x dx भी तो करते ही हो तो v dv कर लो, तो क्या आंसर आ रहा है इसमें, v स्क्वायर बाय टू, कहां से कहां तक, u से v तक, एक बार अपर लिमिट क्योंकि इसकी पावर वन है तो पावर रूल लगाया, एक बार v की जगह अपर लिमिट तो क्या आएगा, v ही आएगा, एक बार लोअर लिमिट तो क्या आएगा, u ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा, v स्क्वायर बाय टू माइनस u स्क्वायर बाय टू, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक। मैथ्स में पाई रेडियंस एंगल्स जो मेजर किए जाते हैं वो डिग्री में मेजर किए जाते हैं, और एक और तरीका है एंगल्स को मेजर करने का और वो है रेडियंस, तो पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, याद रखना पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बताओ कि पाई बाय टू रेडियंस क्या होगा, 90 डिग्री, आधा कर दो, पाई बाय फोर रेडियंस क्या होगा, 45 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियंस क्या होगा, 30 डिग्री, तो अपने मन में पाई को 180 ले लो, जो भी डिवाइड कर रहा है उसे आंसर आता जाएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, रेडियंस, ठीक है। एंगल मेजर करने का तरीका है मैथ्स में, मतलब आज के बाद नॉर्मली हम 180 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम पाई एंगल बोलेंगे, हम 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम पाई बाय 2 बोलेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये स्टाइल होगा बोलने का, तो लिमिट्स आएंगे। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन है cos x dx की इंटीग्रेशन करो फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, मन में पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री है, लगाओ
तो देखो कॉस एक्स की क्या है इंटीग्रेशन, साइन एक्स, और लिमिट क्या है, जीरो से लेके पाई बाय टू। एक बार एक्स वेरिएबल में अपर लिमिट तो क्या बनेगा, पाई बाय टू, एक बार लोअर लिमिट तो क्या बनेगा, जीरो। साइन पाई बाय टू, साइन 90 क्या होता है, वन, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। आंसर इज वन। तो बात समझ में आ रही है कैसे सॉल्व करना है। ऐसी सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई बाय टू। देखो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि माइनस साइन ना बाहर आ जाए, थोड़ा ना कैलकुलेशन इजी हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लो, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया, अब लिमिट पुट कर दो, माइनस कॉस ऑफ एक बार अपर लिमिट पाई बाय टू, एक बार लोअर लिमिट जीरो। तो कॉस पाई बाय टू 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन। आंसर फिर से क्या आ गया, वन। सही है। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके पाई बाय टू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स। ओपन करेंगे तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाय टू, प्लस टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाय टू। तो एक काम करते हैं, साइन एक्स की क्या है, माइनस कॉस एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाय टू। टू साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके पाई बाय टू। एक काम करते हैं, मैंने बताया था माइनस साइन ना मैं बाहर ले आता हूँ, ज़्यादा बेटर है सीधा। ठीक, अब शुरू करते हैं, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय टू, माइनस कॉस ऑफ जीरो, प्लस टू इंटू साइन ऑफ पाई बाय टू, माइनस साइन ऑफ जीरो। ठीक है, यहाँ तक तो कॉस 90, यहाँ पे कॉस 90 क्या आएगा, जीरो, यहां पर क्या आएगा, वन, ये क्या आएगा, वन, और ये क्या आएगा, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, थ्री, थ्री।